हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ एनपीके फर्टिलाइज़र, यूरिया फर्टिलाइज़र और डीएपी फर्टिलाइज़र के बारे में। ये एनपीके फर्टिलाइज़र है जिसमें 20:20:20 का कॉम्पोजिशन है, मतलब नाइट्रोजन 20%, फॉस्फोरस 20% और पोटाशियम 20% है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये एक लिक्विड सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है जिसको आप स्प्रे कर सकते हैं अपने सीडलिंग्स के ऊपर, और आप हाइड्रोपोनिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये है यूरिया। यूरिया मतलब इसमें 46% नाइट्रोजन है। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़बरदस्त केमिकल फर्टिलाइज़र है। और ये है डीएपी, इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये फर्टिलाइज़र प्लांट की रूट ग्रोथ, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए ज़बरदस्त है। और मैं आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये एनपीके फर्टिलाइज़र है। ये है यूरिया और ये है डीएपी, देख सकते हैं आप। ये है यूरिया और ये है एनपीके। ये फर्टिलाइज़र दरअसल लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसमें आप हाइड्रोपोनिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और मैंने भी ऐसा यूज़ किया है। आपको मैं सैंपल दिखाना चाहता हूँ। ये जो प्लांट है इसमें ये वाली फर्टिलाइज़र मिलाया गया है, और आप देख सकते हैं ये मेथी का सीडलिंग है। मैंने आज ही इसे प्लांट किया है। और इसमें देख सकते हैं रूटिंग। ये एक हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, आपको मैं प्राइस भी बता देता हूँ। ये डीएपी का प्राइस है 34 रुपया किलो, ये यूरिया का प्राइस है 12 रुपया किलो, और ये 260 रुपया किलो का आता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है। तो इसी के साथ मैं अपनी पहली वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप भी ये हाइड्रोपोनिक्स जो कि नया टेक्नोलॉजी है, हाइड्रो मतलब वाटर और पोनोस मतलब वर्क, माने वर्किंग विथ वाटर, ये सॉइललेस टेक्नोलॉजी है जिसे 1983 में इन्वेंट किया गया था, और मैंने आज लगाया है ये प्लांट टेक्नोलॉजी इस हाइड्रोपोनिक्स में। तो अब देखूंगा मैं कि एक हफ्ते बाद इसकी कैसी ग्रोथ रहती है।